नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक खुशखबरी लेकर के उत्तर प्रदेश वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया है, एक कैबिनेट अप्रूवल मिला है इस चीज़ को लेकर के कि जो परिवार के अंदर में अपने ब्लड रिलेशंस में जो टाइटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है, स्पेशली अगर हम गिफ्ट डीड की बात करें यानी कि दान पत्र की बात करें, तो पहले इस पे पूरी स्टैम्प ड्यूटी लगा करती थी, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी के सर्कल रेट के हिसाब से जो स्टैम्प ड्यूटी बनती है, जो एक सेल डीड पे लगती है, उतनी ही स्टैम्प ड्यूटी लगा करती थी ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत से परिवारों में वो किसी पर्टिकुलर बच्चे को या फैमिली मेम्बर को अपनी प्रॉपर्टी अगर कोई फैमिली मेम्बर देना चाहता भी था तो स्टैम्प ड्यूटी की वजह से वो प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफ़र कर पाता था, और जिसकी वजह से बाद में परिवार के झगड़े काफ़ी बढ़ जाते थे। जैसे कि अगर कोई पिता है जो अपने चार बच्चों में से किसी एक बच्चे को प्रॉपर्टी देना चाहता है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी बचाने की वजह से वो दान पत्र या गिफ्ट डीड नहीं एग्जीक्यूट करता था, और उस केस में वो विल कर देते थे या फिर कोई नॉर्मल अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कर देते थे, और अगर पिता की मृत्यु हो गई तो बाद में बच्चों में आपस में डिस्प्यूट हो जाता था, और एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से पिता की चाहत के बावजूद भी उस बच्चे को वो प्रॉपर्टी मिलने में काफ़ी मुश्किलें आती थी, और बहुत बार ऐसा होता था कि उस बच्चे को वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती थी। इवन इंटरनली अगर सपोज कीजिए पिता की मृत्यु हो गई और सारे जो भाई बहन हैं या जो भी लीगल हेड्स हैं, सर्वाइविंग मेम्बर्स हैं उस फैमिली के, वो किसी एक व्यक्ति को, सपोज सारे बच्चे मिलके अपनी माँ को वो प्रॉपर्टी अगर देना चाहते हैं या एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं ताकि उस प्रॉपर्टी पे लोन मिल सके, उस प्रॉपर्टी को बेचना आसान हो, तो ऐसे में जो इकलौता रास्ता था कि पूरी स्टैम्प ड्यूटी सर्कल रेट के हिसाब से पे करनी पड़ती थी, जो कि कई बार लाखों में होती थी, और ये लाखों रुपये खर्च करने के बाद ही एक एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो पाता था यूपी में, जिससे आप प्रॉपर्टी को आसानी से बेच सकें या फिर मॉर्गेज कर सकें, बैंक के पास गिरवी रख के लोन ले सकें। तो ये बड़ा एक मुश्किल काम था, तो इस काम को दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी आसान कर दिया है अभी जो नया रूल आया है, एंड इन कंसल्टेशन विद रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो रूल आया है कि आप 5,000 तक के खर्चे में फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर किसी को दान दे सकते हैं या गिफ्ट डीड दे सकते हैं, जिसकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 5-1 हज़ार के आसपास लगेगी, यानी कि आपका लाखों का जो खर्चा होता था वो सिमट के 5,000-6,000 रुपए पे आ चुका है। अब अगर आपको फैमिली में कोई ट्रांसफ़र टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, जैसे कि हरियाणा में ट्रांसफ़र डीड होती है 0 स्टैम्प ड्यूटी पे, ठीक उसी तरह ये गिफ्ट डीड जो है आप उत्तर प्रदेश में 5-6 हज़ार रुपए के खर्चे में कर सकते हैं। ये हर तरह से, हर तरह के विवाद को सुलझाने के लिए काफ़ी आसान हो जाती है। एक परिवार जिसमें बहुत बड़े लैंड्स हैं और वो आपस में डिवाइड कर चुके हैं कि किसको कौन सा हिस्सा मिलेगा, लेकिन टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, अब उसमें बड़े आराम से सारे परिवार के लोग मिलकर के एक पर्टिकुलर टुकड़े को जिस व्यक्ति के हिस्से में आ रहा है उस व्यक्ति को गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर सकते हैं 5-6 हज़ार रुपए के खर्चे में, और इस तरह से अपने जो प्रॉपर्टी है उसको आसानी से डिमार्केट करके, उसका टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति है, कागजात के साथ आप दे सकते हैं, और इससे आपके फैमिली के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सकते हैं। वैसे ही अगर आपके एंसेस्टर्स की डेथ हो गई और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई है लीगल हेयर्स के ऊपर, तो वो भी जिसके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आ रही है उसको बाकी के परिवार के जो बाकी लोग हैं वो मिलकर के उसको ये गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर सकते हैं 5-6 हज़ार रुपए के खर्चे में, और उसका एक प्रॉपर एब्सोल्यूट क्लियर एंड मार्केटेबल टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। कल को आपको ये संपत्ति ना बेचने में दिक्कत आएगी, ना मॉर्गेज करने में दिक्कत आएगी, ना बैंक लोन में दिक्कत आएगी, और आपके आपस के डिस्प्यूट भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है यूपी वालों के लिए, उत्तर प्रदेश वालों के लिए सरकार की तरफ से, कि आप जल्दी से अपने जो प्रॉपर्टी है, जिसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी खास करके जिसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं,
सिर्फ उसका नाम जो है खसरा खतौनी में तहसील रिकॉर्ड्स में चढ़ा हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके दान पत्र के थ्रू और 5-6 हज़ार रुपये के खर्चे में ये टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, फिलहाल जो ये योजना लेकर के आई है सरकार, ये केवल 6 महीने के लिए है, जो ऑलरेडी आज से लागू हो चुकी है, और 6 महीने के बाद सरकार जो उसका राजस्व विभाग पर असर पड़ेगा उसको देखते हुए उसके मद्देनज़र डिसाइड करेगी कि इस योजना को आगे एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों वो 6 महीने बाद की बात है कि ये योजना एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, लेकिन आज क्योंकि ये आ चुकी है तो आप इमीडिएटली किसी अच्छे वकील से सलाह लें और अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली क्रिएट करवा लें, ताकि कल या 6 महीने बाद के चक्कर में कहीं आपके हाथ से मौका निकल ना जाए और जो काम आपका 6-7 हज़ार रुपये में हो सकता है, 5-6 हज़ार रुपये में हो सकता है, वो कहीं आपको लाखों की चपत ना लगा दे अगर आप 6 महीने के बाद ऐसा सोचेंगे। तो जल्दी से एक्ट कीजिए, अपने टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कीजिए और अपनी प्रॉपर्टी और उसके कागजात को पुख्ता कीजिए। ये थी आज की न्यूज़ मेरी तरफ से, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।